नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर और सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो का आनंद ले सके। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे, हरियाणा पुलिस की भर्ती पर एक केस और हो गया है। एक केस पहले हुआ था, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस की भर्ती पर एक और केस हो गया, नया केस नंबर क्या है, उसकी अगली सुनवाई क्या है, किसने केस किया है, इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे और किस कारणों को लेकर केस हुआ है। तो सभी जानकारी के लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। दोस्तों, चलिए मैं आपको पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। जो नया केस हुआ है, केस टाइप है CWP, केस नंबर 11963, केस ईयर 2018। प्रिंस एंड अनदर, या प्रिंस के साथ मिलकर लगभग 9 से 10 बच्चों ने ये केस किया है और दीपक शर्मा एडवोकेट है और इसकी नेक्स्ट डेट जो है 14 मई है। आज शायद 12 तारीख है और 14 मई को जो है इसकी सुनवाई है, तो काफ़ी नज़दीक अर्जेंट में इसकी सुनवाई है। किन कारणों से ये केस हुआ है उसके बारे में मैं भी आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो कारण है केस होने का यही है कि जो हरियाणा सरकार 20 नंबर दे रही है, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये जो मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार है, जो हमारे संविधान में मिले हुए सभी नागरिकों को, उनका हनन है। और दूसरी बात, जो भी बच्चा हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरता है वो 12th मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है और उसमें ग्रेजुएशन के लिए अलग से नंबर दिए जा रहे हैं। तो बच्चों का कहना है कि जब मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है तो ग्रेजुएशन के लिए आप नंबर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा 18 साल का हो जाता है वो +2 कर लेता है और वो भी फॉर्म भर सकता है, तो 18 साल का बच्चा ग्रेजुएट तो नहीं हो सकता। तो इसलिए बच्चों का कहना है, ये दलील है, कि +2 वाले अगर फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को अलग से नंबर ना दिए जाए। और दूसरी बात, उनका कहना है कि फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर के लिए 10th क्वालिफिकेशन है और कॉन्स्टेबल के लिए +2 है, फिर भी आप ग्रेजुएट वालों को नंबर दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये 2-3 मेन पॉइंट है, काफी स्ट्रॉन्ग उनका ये केस मेरे को लग रहा है। जो भी इसमें हो सकता है वो तो देखिए फ्यूचर में ही पता चलेगा 14 तारीख को। फिर भी आप अपने कमेंट कि ये केस सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या हरियाणा सरकार ये सही कर रही है 20 नंबर जो दे रही है अलग अलग प्रकार से, तो आप अपने कमेंट, अपने व्यू, अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भर्ती का क्या फ्यूचर हो सकता है। बच्चों का कहना है कि जो हरियाणा सरकार एक ओनली एग्जाम रखे, इंटरव्यू भी न ले, 100 नंबर का एग्जाम ले, जो बच्चे मेरिट में आएंगे वो नौकरी लग जाएंगे, बच्चों की ये डिमांड है। क्या रहता है, 14 मई को सुनवाई है, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू, अपने कमेंट जरूर डालें कि ये केस सही हुआ है या गलत हुआ है, भर्ती, इस केस का भर्ती पर क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए चैनल के साथ जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।